सब्सक्राइब करें देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के यूट्यूब चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। विदेशी तो हर चीज छोड़ दो, दीपावली आ रही है, एक भी पटाखा एक भी लाइट चीन की मत खरीदना, ये भी देशभक्ति ही होगी आपके। चीन से आए हुए पटाखे, चीन से आई हुई लाइट मत खरीदना, क्योंकि चीन पाकिस्तान का सपोर्ट करता है और हम उसकी चीज लेकर उसका सपोर्ट करते नहीं करेंगे। चीन के मोबाइल चाहे कितने भी सस्ते हो, फेंक दो, खरीदो मत, चीन का कोई सामान मत खरीदो, यही देशभक्ति। आप सोच रहे होंगे महाराज हमको भड़का रहे, भड़का नहीं रहे, जागृत कर रहे हैं। चीन हमेशा आपको आंख दिखाता है कि नहीं, बोलो दिखाता है कि नहीं? तुम्हारा ये पड़ोसी जो रोज तुमसे लड़ता हो, उसी की दुकान हो, उससे सामान खरीदते हो? जोर से बोलो, क्यों नहीं खरीदते हो? चाहे 11 किलोमीटर लंबुआ चले जाओगे, वही चीज पड़ोसी के यहां मिल रही, नहीं खरीदोगे? क्यों? ये अच्छा आदमी नहीं, ये हमारा शत्रु है। पाकिस्तान से भी बड़ा शत्रु है चीन। अगर चीन हमारे देश का सपोर्ट करता, पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं करता, तो आज हमारा देश कहां का कहां पहुंच गया होता। आज भी आप सभी भारतीयों से मेरा एक ही निवेदन है, मुझे चीन में कथा करनी नहीं, बुलाए चीन का राष्ट्रपति भी तो भी नहीं जाऊंगा कथा करने। चीन का राष्ट्रपति भी इन्विटेशन दे के महाराज आप हमारे चीन में कथा कर जाओ, तो हम नहीं जाएंगे कथा करने, कभी नहीं जाएंगे। और अगर जाना भी पड़ा तो एक शर्त रखेंगे, पाकिस्तान से सारे रिश्ते तोड़ दे, तब हम आएंगे कथा करने का। जय बोलना हो तो जोर से बोला करो, धीरे नहीं, जोर से बोलना चाहिए। तो आप सब से एक प्रार्थना है, अभी दीपावली में बहुत समय, मतलब अभी कितने 4-5 दिन तो है ही ना, तो अभी लाइट खरीदेंगे, पटाखे खरीदेंगे, जो भी है। चीन का को पहले जिस दुकान पे जाओ पहले पूछ लेना, चीनी तो नहीं है? बोले क्या मतलब? बोले चीनी नहीं चाहिए, चीनी कम, शुगर बढ़ रही है, चीनी कोई सामान नहीं, न पटाखा। और देखो होली उनके यहाँ नहीं मनाई जाती, गुलाल रंग वहीं से आते हैं, दीपावली वहां नहीं मनाई जाती, लाइट और पटाखे वहीं से आते, क्यों आएंगे? हमारे भारत में निर्माण होना चाहिए सब चीजों का। आपके त्योहारों से ही बहुत बड़ा पैसा चीन कमा लेता है, आपको मालूम भी नहीं। मोबाइल सोबाइल मत खरीदा करिए, चाय सस्ता देता है, अरे हम क्या करेंगे, देश से गद्दारी करेंगे क्या? मैं तो कहता हूं विदेश की कोई और किसी देश की चीज ले लो, पर मोबाइल सोबाइल जो भी चीज है चीन का, तेरा तुझको अर्पण, ले तू रख, बेच ले, दे दे पाकिस्तान अपने चाचा को, हम नहीं लेंगे। ये भी देशभक्ति है, निश्चित देशभक्ति करो। जो भी मेरी इस कथा को आज सुन रहे हैं, यही मुझे दक्षिणा में देना, आपके किसी भी त्योहार पे कोई भी चीनी सामान आपके यहां नहीं आएगा। भारतीय सामान अगर आप लाओगे तो इससे आपके भारतीय लोगों को आगे बढ़ने का सौभाग्य मिलेगा और वो आपका भारत आगे बढ़ेगा। मेड इन है, मेड इन, मेड इन, हर त्योहार मेड इन इंडिया होना चाहिए। आप सबसे निवेदन है, ब्राह्मण बालक की इतनी बात तो मानो देश के लिए। एक और बात बताएं, अकेले मोदी और अकेले योगी इस देश को आगे नहीं बढ़ा सकते, उनकी हिम्मत नहीं अकेले की। जब हम एक एक करके उनका साथ देंगे, जब हम एक एक स्टेप पे उनका साथ देंगे, तो निश्चित हमारा देश 130 कदम, 130 करोड़ कदम एक क्षण में आगे बढ़ जाएगा। इसलिए चीनी कोई सामान, व्यापारियों को भी सोचना चाहिए चीन का कोई सामान अपनी दुकान पे न रखे। ये हर बार होता है ना बहिष्कार, आप हर बार खरीद लाएंगे सस्ते के चक्कर में, क्यों खरीदेंगे आप? बाहर का कोई सामान मत कर, चीन का तो स्पेशली मत खरीदिए, चाहे कहीं का भी खरीदिए, जापान का खरीद लीजिए अगर विदेशी खरीदना। तो अब आप सोच रहे हमको कथा कहने बुलाया था महाराज को, पता नहीं महाराज क्या क्या कह रहे हैं, ये मैं देश की कथा कह रहा हूं भागवत कथा के साथ साथ, ये भी जरूरी है।
क्या बोलना पड़ेगा? पीछे तक एक स्वर में जोर से बोलना पड़ेगा। अभी जय हो इंडिया ऐप इंस्टॉल करें और पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज को फॉलो करें।